हेलो और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ फ्लैग्स। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक खूबसूरत इवेंट में जो सजाया गया है आज़रबाईजान एम्बेसी की जानिब से, और आज आज़रबाईजान मना रहा है अपना डे ऑफ विक्ट्री। तो आपने रहना है मेरे साथ ये जानने के लिए कि इस इवेंट में क्या क्या होने वाला है। आज़रबाईजान की फतह का दिन हर साल 7-8 नवंबर को मनाया जाता है। मैं पाकिस्तान के सपोर्ट का भी जिक्र करना चाहता हूँ। बिरादर पाकिस्तान ने 2020 में सबका काबा कॉन्फ्लिक्ट के पहले दिन से हुब्बुल वतन के जंग के दौरान आज़रबाईजान का मुनसिफाना मौकफ की इखलाक और सियासी सपोर्ट की, और इसे आज़रबाईजान की हुकूमत और आवाम ने बहुत बहुत शुक्रिया। दिस विक्ट्री ओवर आर्मेनियन ऑक्यूपेशन वाज always considered a very similar situation as we have in Kashmir. We have, as a matter of faith, as an article of faith, we have supported our brothers in Azerbaijan in their struggle on political front or any other front which was available to us to support our brothers. एम्बेसडर ऑफ कजाकिस्तान एंड इट्स मैं इस वक्त कजाकिस्तान के सफीर के हमरा मौजूद। आपको इतने दिनों के बाद देखकर बहुत खुशी हुई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक होगी। आज आज़रबाईजान के लिए ये दिन बहुत अहमियत का हामिल है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एज अ ब्रदरली कंट्री, हाउ डू यू सी दिस बिग डे फॉर आज़रबाईजान? It's a beautiful event. आज़रबाईजान की तरफ से सजाई गई ये तकरीब बहुत शानदार है। आज के दिन की मुनासिबत से मैं आज़रबाईजान की आवाम को उनकी शानदार फतह पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं दुआ गो हूँ कि आज़रबाईजान दिन और रात तरक्की करे। कज़ाकिस्तान और पाकिस्तान की सकाफत बहुत शानदार है। आप इन सकाफती तालुकात को किस नजर से देखते हैं? आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, दोनों ममालिक के दरमियान सकाफती मुमासलत बहुत ज्यादा है। हमें रेगुलर बेसिस पर सकाफत को प्रमोट करने के लिए तकरीबात मुनक्किद करने की जरूरत है। दिसंबर में हम कजाकिस्तान और पाकिस्तान के माबेन सफारती तालुकात की सालगिरह के मौके पर ऐसी ही एक तकरीब मुनक्किद करने जा रहे हैं। इस तकरीब में हम दोनों मुमालिक से मुख्तलिफ सिंगर्स को बुला रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि दोनों मुल्कों की मौसीकी में बहुत मुमासलत है। जबरदस्त, मुझे खुशी है कि मौसीकी दोनों मुल्कों को करीब लाने में अपना किरदार अदा करेगी। मैं जरूर इस इवेंट में शिरकत करूंगी। मुझे ये बताएं कि दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात को फरोग देने के लिए आपके पास क्या प्लान है? So your Prime Minister visited in the middle of October. आपके वजीर आजम ने अक्टूबर में हमारे दारुल हुकूमत का दौरा किया था। ये दौरा सीका समिट में शिरकत के लिए था, लेकिन इस समिट की रोशनी में हमने आपके वजीर आजम और कजाकिस्तान के सदर के माबेन एक मुलाकात भी ऑर्गेनाइज की थी। दोनों ममालिक के माबेन एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप भी बनाया गया है, जो दोनों मुल्कों के माबेन एनर्जी और तिजारत के मौजूदात पर गौर करेगा। मैं ये भी बताऊं कि हमारे सदर ने आपकी तरफ से दौरे की दावत भी कबूल कर ली है, और वो बहुत जल्द आपके इस खूबसूरत दारुल खिलाफे का दौरा करेंगे। Next year, so I believe that it will be another milestone in our bilateral relations. Fantastic. As Kazakhstan, Kazakhstan बहुत खूबसूरत मुल्क है। पाकिस्तान में ज्यादा लोग ये बात नहीं जानते। दोनों मुल्क सियाहती लिहाज से बहुत अहमियत के हामिल है।
आपके ख्याल में हम सियाहत को कैसे फरोग दे सकते हैं? First of all, we are planning to sign, inshallah, MOU. हम लोग बहुत जल्द सियाहत पर एक MOU साइन करने वाले हैं। दूसरा ये कि सियाहत को फरोग देने में दोनों मुल्कों के मीडिया को किरदार अदा करना होगा। मीडिया के जरिए हमें लोगों में सियाहत के रुझान को बढ़ाने की जरूरत है। हमें दोनों मुल्कों की आवाम को एक दूसरे के सियाहती मकामात के बारे में आगाह करने की जरूरत है। दोनों मुल्कों में कुदरती हुसन, सकाफत, तारीख हर चीज में बहुत मुमासरत है। हमें बस बड़े स्केल पर आगाही की जरूरत है। इस मत में सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हम दोनों मुल्कों के टीवी चैनल्स के माबेन कोई इश्तराक करवा सकें। मैं पाकिस्तान टेलीविजन और प्राइवेट चैनल्स के चंद लोगों से मिला हूं और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि न्यूज, फिल्म और ड्रामे के जरिए ये इश्तराक बना सकूं। प्रोग्राम्स टू शो द ब्यूटी ऑफ आवर नेचर्स एंड ऑफ आवर पीपल्स। फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच योर एक्सीलेंसी वंस अगेन एंड एंजॉय योर इवनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जनाब सफीर, इस अहम दिन के मौके पर मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों के हमराह इस सफर में शामिल हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? First of all, I would like to thank you. मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आप हर खास दिन पर हमेशा हमारे साथ होती हैं। आप बखूबी जानती हैं कि इस दिन पर हम अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। इस दिन हमने काबिज अफवाज से अपने इलाके आजाद करवाए थे। वो दिन और आज का दिन हमारे इलाकों का अमन अब कोई खराब नहीं कर सकता। अब इस पूरे खत्ते में अमन है और बाकी तमाम ममालिक के लिए हमारी फतह किसी मिसाल से कम नहीं। इस तकरीब में हमने देखा कि आज़रबाईजान, तुर्की और पाकिस्तान के लिए गाने भी बजाएगा। आप इन तीनों ममालिक के इश्तराक को कैसे देखते हैं? I mean, it is natural connection among our peoples. तीनों मुल्कों के माबेन ताल्लुकात कुदरती बुनियादों पर है। ये गाना पाकिस्तानी फनकार ने कंपोज किया और इस गाने में आज़रबाईजान के लिए पाकिस्तानियों के दिलों में जो मोहब्बत है वो आया होती है। ये एक बेहतरीन मिसाल है जिसके जरिए हम इस इश्तराक को बयान कर सकते हैं। जैसा कि वजीर दिफा ने अपनी तकरीर में कहा कि इसी तरह के हालात से हम भी गुजर रहे हैं। जिस तरह आपने जीत हासिल की, क्या मसला कश्मीर भी इस तरह से हल किया जा सकता है? Okay, when we are talking about this victory, we always saying we मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने सिर्फ और सिर्फ UN की रेजोल्यूशंस पर अमल दरामद किया है। हमारी पोजीशन बैनुल अक्वामी कवानीन के एन मुताबिक थी। जिस तरह UN में पाकिस्तान ने आज़रबाईजान की हिमायत की, बिल्कुल इसी तरह मसला कश्मीर पर हम पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। आखिर में मुझे बताएं कि आज़रबाईजान और पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात कैसे चल रहे हैं? Okay, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दोनों मुल्कों के लोगों में करीबी रवाबित को फरोग दे सकें। इस ज़मन में हम जॉइंट कमीशन बना चुके हैं जो 10 मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम हैं। इस कमीशन के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेशन शुरू किया जाए। जब से ये कमीशन बना है, हमें बहुत अच्छे नतायज मौसूल हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है आने वाले साल दोनों मुल्कों के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। Definitely our relationship will gonna prosper. So your excellency, congratulations once again and enjoy your evening. Welcome always.
आज का ये इवेंट मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया. जितने एम्बेसडर्स आए हुए थे दे वर वेरी हैप्पी ऑन दिस विक्ट्री डे. एंड डेफिनेटली तमाम बरादरान कंट्रीज़ का जो कश्मीर के साथ कोलेबोरेशन है और कश्मीर के साथ जो उनकी बेस्ट विशेज हैं वो हमेशा रहेंगी. तो अब तक के लिए फ्लैग्स में इतना ही. होगी आपसे फिर अगले हफ्ते मुलाकात. तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल. मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.